इतने मुस्तफा कहते हैं जहां ठंडी उठता इन ठंडी हो खबा होते अल्लाह इब्राहिम जिम्मे हजरत इब्राहिम से ठंडी हुई थी उदास की कसम है अभी से बात में चाहता है अजय आगे मेरे भी नहीं सन पहुंचे थे अब बाबो हजूर प्यार पा के सरकार ने मोहब्बत कर देते जो सरकार का दीवाना बन जाता है उससे खुदा की रहमत मंजूर होता है दरबारों में जल्दिया मैं पिछले जुमे से बात कर रहा था नबी करीम के दीवाने किस तरह हजूर के इश्क पिछे कुर्बानियां देते दे दे। नबी करीम की जरा जैसी बेअदबी की दोबारा उन्होंने आशकों में लाहौर में नबी पाक का दीवाना गुजरे है जिन्हों इल्म दीन किया जाता इल्म दीन तेरे मुकद्दर सलाम इल्म दीन तेरी किस्मत सलाम इल्म दीन तू कितनी बड़ी छाल मारी एक लम्हे तो रसूलुल्लाह की अख का तारा बन गया है रसूलुल्लाह की उम्मत का प्यारा बन गया है सिरकाना का मुंडा मिस्त्रिया का लड़का कोई ऐसा हाजी नवाजी कोई हकीम रेजदार पता नहीं सी इल्म दीन कि जिनकी इबादत दिया मिसाल दिखा जा और यह भी एक बड़ा अजीब नुकता है कि तुम तारीख पढ़ के देख लो कि नबी करीम की मोहब्बत में इस्लाम की अजमत वास्ते जदों भी कुर्बानी देने का मौका आया ना तो इस किस्म के लोगों ने पढ़ के कुर्बानी बड़े बड़े मौलवी के पीर वो काम नहीं कर सके जे आम बंदे कर रहे हालांकि वो इतने मुत्तकी भी नहीं सन पर इजाज वाकिला में तब जाई ले लो वादी मुदीन ले लो वादी की हुसैन ले लो ऐ आमिर शहीद ऐ चंद दिन पहले आमिर अब्दुल रहमान की मां फारूक मिला मुड़ा जिन्हें रसूलुल्लाह ने नाम उस वास्ते अपनी जान का नजराना पेश किया रसूल ने दुश्मन पे हमला किया ये ऐसे लोग नहीं कि जिन्हें की इबादत की मिसाल दी कोई आगे मुत्तकी पर इजाज नहीं हमेशा इस किस्म के लोगों को मन खुदा एक मंतकी बजाय मंतकी नुकता है असि जे मौलवी के पीर दिहाड़ी निवाजी होंगे ना सानू कोई अपनी इबादत से भी मान है यह इबादत की है नमाजा पढ़िया ने रोजे रखे ने तबलीक करते रहे हैं कलमा खैरात कहते रहे हैं ते नेकी दा काम करते रहे हैं लिहाजा जन्नत मिल जाएगी बख्शे जाएंगे गर्म हो जाएगा सानू कुछ इबादत से मान होता है कि जेडे ऐसे दुनियादार होंगे ने ना वो सोचते ने बंदे की तो पले है कोई ना सारी जिंदगी गुनाह नाल भरी हुई है यार दे नाम से इको झूठा ना ते तेरा इस रास्ते बन के जाना मेरे तुझे पता नहीं राजपाल मलूम ने जब रंगीला रसूल किताब लिखी तो सबको पहले लाहौर का रहने वाला खुदा बख्श लाख खुदा बख्श जिसने किस्मत आजमाई की थी अगर के राजपाल जख्मी हो गया मगर मरिया ना गाली खुदा बख्श को जो पकड़ के ले जा रहे सन गाली हो जैसे सरदार ने किया कि हो तो होने उन्हें आखिया कि मैं घबराना गलत मैं काम ना करता मेरे आंसू वेख के गलत फहमी ना शिकार ना हो मैं रोता इस बात से हाँ मैं जरा काम करना चाहता सफर कर मैं नबी करीम के दुश्मन को मारना चाहता था मार नहीं सकिया मैं इस गल से रोने अपनी किस्मत से रोने शायद नबी पाक ने किसी और की ड्यूटी लाई है कोई और कुछ नसीबे भी ने काम करना अल्लाह राजी खुदा बस को 7 साल कैद बाप से सुनाई गई फिर राजी अब्दुल अजीज अफगानिस्तान का रहने वाला एक नौजवान और कहा रवाई आप से चाहता है अब्दुल अजीज खान अफगानिस्तान का रहने वाला नौजवान ने मजदूरी करता है
लाहौर आया किथे अफगान से किथे लाहौर किसे पूछा ओए अब्दुल अजीज खान तू क्यों आया है तेरी आम की वजह की है क्या मजबूरी करन आया है क्या छोरो मजबूरी एक बहाना है आया क्यों है रो के कहने लगा खुदा की कसम है खाम के अंदर मेरे हजरत महमूद गजनवी रजी अल्लाह तआला ने ज़ियारत हुई महमूद गजनवी ने किया ओए अब्दुल अजीज उठ मेरे रसूल की तौहीन की थी जे जान मजबूर रूह का नुकसान है कर रहे हम इलम दीन के राजपाल वाले के क्या है मजबूर
ਜੀਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਇਲਮ ਦੀ ਵਾਰ ਇਕਤਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆਸਾ ख्याल आया किधरे बच ना गया होगी फिर ना जाऊत देखो गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं करते तक शोर पै गया राजपाल का तो गया पकड़ो मुसलमान मार के राजपाल जान न दे दो दो नौकर सन उन्होंने बत्तू नामी मुसलमान को पकड़ लिया कि इसने मारो मुर्गा की इल्मुद्दीन के हाथ में छुरा है जा रहे उन्हें शोर पाया कि इसने मारे और बत्तू नामी गाजी इल्मुद्दीन के कान में आवाज आई कि बत्तू के इल्जाम लगाया जा रहा है गाजी ने आवाज दी छोड़ दो मैं मारे इन्हें नहीं मारे मैं सियान के मारे है पहचान के मारे है रसूल दुश्मन मैं मारे गाजी इल्मुद्दीन ने गिरफ्तारी की खुदा की कसम उठा के कहना कि जामा चाहता है गाजी को जब गिरफ्तार कर रहे सन तो गाजी इल्मुद्दीन बार बार ऊपर वेख के कहना सी रब्बा तेरी मेहरबानी मैं कामयाब हो गया तेरा करम मैं कामयाब हो गया मैं अपनी मंजिल पा लई है इस तो पहले जब वो मारन वास्ते जा रहा सी ते किताबा चाहता है उद्दीन दुआ क्या करता सी या अल्लाह ए सादत मेनू ही दे सुभान अल्लाह या अल्लाह ए सादत मेरे से चाहे रसूल अब पर मैं पास करूं गाजी इल्मुद्दीन को गिरफ्तार करके मियां वाली जेल के अंदर बंद किया पाकिस्तान की जेलों को सब को सब जेल मियां वाली की हर पास शुरू मुसलमान कट्ठे होके सोचते ने इल्म दीन ने बड़ा बड़ा काम किया है इन्हें बचाना चाहिए ऐसे पुत मावा रोज नहीं जमते ऐसे बहादुर रोज नहीं पैदा होते इल्म दीन को बचाइए हत्ता के मोहम्मद अली इना को भी वकालत वास्ते मुसलमाना ने चुनिया पर मोहम्मद अली इना भी मुकदमा लड़ने वास्ते लाओ डॉक्टर इकबाल बड़ी दिलचस्पी ला रहे सन और एक बार लोग होके कहता सी असि खाली गल्ला करते रह गए नंबर से फिर खाना का मुतल है मुहद्दस अली पूरी हजूर पीर से के जवाब लिखा रहमतुल्लाह ताला ने पता लगा फिर रोक के फरमाया ओए जवाब अली रसूल का पुत्र ते तू सी पर बदला ते खाना ते मुंडे ते होया तो नसल भी ते तू सी आप ते तू सी थोड़ी तब्दीली लिया यकीन है तेनों की फांसी को बचा इलमदीन ने किया जनाब की लचक जाते वकीला ने किया अल्लामा इकबाल ने किया लचक इतनी पैदा कर तू क्या है एक कम मैं जोश कीता उन्हें रकीदा रसूल किताब लिखे मेरे रसूल की तौहीन की मैं नबी पाक दा उम्मतिया हजूर दा गुलामा मैं अपने नबी की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं जोश में आ गया इतना जोश में आया कि होश तो निकल गया मैं जोश में जो कम कीता कीता गाजी इल्मुद्दीन ने किया बड़ी मेहरबानी तुम जा सकते हो खुदा की कसम है मैं सूली के तख्त से खड़ो के भी आखा ना मैं होश में सुभान अल्लाह पहचान के मैं तू आखा मैं खाली जोश जोश अपनी जगह मगर होश मेरे कान सन मैं रूप पहचाने आवाज दी फिर हमला की फिर मारे मैं जरा कम किया होश खाली जोश किस्सा मुख्तसर गाजी इल्मुद्दीन सजाए मौत का मियां वाली जेल
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇਰਮਦੀਨ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਇਰਮਦੀਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਵਕਤ ਇਰਮਦੀਨ ਦਾ ਮਤ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਰਮਦੀਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਮਾ ਮਾਮੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਮਾਂ ਰੋ ਪਈ ਇਰਮਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮਾਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੱਸ ਮਾਂ ਤੂੰ ਲੱਡੂ ਮੰਗ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾਏ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਰੱਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਰਮਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਰੀ ਦਾ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਸੋਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਮਾਮ ਪੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਿਹਾ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਇਰਮਦੀਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਰਮਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਦੀਨਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਰਮਦੀਨਾ ਕਬਰੀ ਵਾਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਰਮਦੀਨਾ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਾ ਬੜਾ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂ ਇਮਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਈ ਕਮਰੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਗਬਰਾ ਪੁੱਤਾ ਹੈ ਨੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਰਮਦੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰ ਇਰਮਦੀਨ ਹੈ ਇਮਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੁਬਾ ਸੁਲਾਇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਨੇ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਕਮਰਾ ਮੁੱਕਾ ਹੈ ਨੂਰ ਫੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਰਮਦੀਨ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਜਾ ਪਿਆ ਕਿਦਰ ਕੇ ਪਿਆ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੀ ਦੀ ਕਿਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਗਾਦੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੇਦ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਕੰਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੁਬਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਸੂਰ ਦੀਆਂ ਉਲਫਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
मदीना मैं आप नहीं आया, मैनू तेरे रसूल ने भेजे कि मदीना चल नबी पाक ने तेन अपने दरबार बुलाया। इमाम भी कहता फिर की होया कि रमदीन ने क्या माला अली ने मेरा पर मैं अपना मन करके जरूर पढ़ मैं अच्छा मन करके जरूर करना शुरू किया जब अख खोली तो मैं नबी पाक के दरवाजे से खड़ोता। हजरत मौला अली ने फरमाया खलो मैं आप कमरे के अंदर चले गए। मैं दरवाजे को कान ला के सुनता था मेरे रसूल की आवाज आती है कि मेरी किस्मत मेरे कान की आवाज आई नबी पाक ने फरमाया अली इलम दीन नु लैन या रसूलल्लाह गुलाम आ गया है। सरकार ने फरमाया इलम दीन नु पेश करो। सुभान अल्लाह दरवाजा खुद या मौला अली ने फरमाया इलम दीन आ सरकार का है इलम दीन लोग के कहने पर रसी पाक तक कमरे दाखिल होया ते कमली वाले खड़े हो गए। रसूलल्लाह ने फरमा खोलिया फिर अपने सीने ला लिया मेरे बच्चे से गोसा दे के फरमाया इलम दीन आ मेरे प्यार में बड़ी कुर्बानी दी आ बड़ी बड़ी छाल मारिया इलम दीन आ तेनू इस वास्ते दरबार बुलाया दो चीजा ने दो विचो जी पसंद कर तेरी मर्जी या रसूल अल्लाह कहियां पर मैं अगर जिंदगी दिया बहारा वेखना चाहना ते जेल विचो असा तेनू निकाल गया तू अपने आप नूं आधार समझ आज तक कोई तेनू गिरफ्तार नहीं कर सकेगा मैं तेरा पैरा देंगा इलम दीना जे मेरे इश्क में सूली का ऊंचा लैने तेरी मर्जी। इमाम दीन रो के कहता है राजी जी फिर तुसा की पसंद किया राजी ने रो के किया मैं रसूल दे कदम से गिर गया अगल की कमली वाले जब मैं दुहादा तेरा नहीं देखिया सी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हूं ते चेहरा दिखा दिता जे हूं ते सूली चंद का बदला मुसलमानों को पहले पैगाम भेज चुका सी सुबह 6 बजे मैंने सजाए मौत होनी मैं आवांगा जेल के अंदर तुसी होगे जेल के बाहर मैं सूली के तख्ते से खलो के नारा रिसालत मारा तुसा बाद जवाब दे तुसी बाद नारा मारे हो मैं सूली तो जवाब देंगा पता लगेगा मुस्तफा का दीवाना किने जाता है। इलम दीन ने क्या दिता तुसी मीनारे मारे हो मैं मीनारे मारांगा खुदा दी कसम पर वादे बड़े बड़े मरते ने पर मैं ऐसी जान दे दिया ना पता चल जाएगा पूरे आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे नूर या الحمد للہ